नमस्कार, मैं प्रिया। आज 19 सितंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 3.5 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की शुरू हुई तैयारी। जल्द ही पर्यटक ले सकेंगे मंदार की वादियों का मजा। इस दिन होगा चुनाव कार्य से पंचायत राज विभाग के कर्मियों को किया जाएगा। बीपीएससी ने स्थगित की 2 परीक्षाएं। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पीएससीईटी 2021 काउंसलिंग के लिए जारी हुई कॉलेज की लिस्ट। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय 18 सितंबर 2021 को बिहार बीएड सीईटी 2021 काउंसलिंग के आवंटित कॉलेज की सूची जारी कर चुका है, जिसके बाद आवंटित सूची LMNU की आधिकारिक साइट bihar-ceet-bed-lnmu.in पर उपलब्ध होगी। आवंटित कॉलेज सूची के साथ ही निजी और सरकारी कॉलेजों की सूची के साथ ही पहली काउंसलिंग कट ऑफ भी जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को आधिकारिक साइट के माध्यम से 19 सितंबर से 25 सितंबर 2021 तक शुल्क भुगतान कर अपनी सीट की पुष्टि करनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन 22 सितंबर से 29 सितंबर 2021 तक किया जाएगा। शिक्षक नियोजन के लिए पैसा मांगने वाला बीईओ हुआ सस्पेंड, 8 लाख रुपए की कर रहा था मांग। शिक्षक नियोजन मामले में नीतीश सरकार को बदनाम करने वाले बीईओ को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 दिन पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। इस वायरल ऑडियो में कहा जा रहा था कि सीएम हाउस को मैनेज करने और शिक्षक नियोजन के लिए एक अभ्यर्थी को 8 लाख रुपए इंतजाम करने को कह रहे थे, और जब ऑडियो वायरल हुआ तो उसके बाद शिक्षा विभाग ने जांच का आदेश जारी किया था। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि मुरलीगंज बीईओ का जो ऑडियो वायरल हुआ था उसकी जांच की गई। जांच में आरोप प्रमाणित पाए गए, जिसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मंत्री ने आगे ये भी बताया कि अफसर का जो ऑडियो वायरल हुआ था वो काफी आपत्तिजनक था, ये बर्दाश्त के लायक नहीं था। पंचायत चुनाव के दौरान कई जिलों में होगा सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल। इस बार पंचायत चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए हर बूथ पर इंटरनेट की सुविधा बहाल करने की योजना बनाई गई है। हालांकि इन सबके बीच ऐसे बूथ की भी चर्चा हो रही है जहां चुनाव के दौरान इंटरनेट की सुविधा बहाल नहीं हो सकेगी। ऐसे जिलों में अब सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 5 जिलों के 112 बूथ ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता है। आयोग ने ऐसे सभी बूथों पर सैटेलाइट फोन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है, जिसके तहत अब पंचायत चुनाव में 8 जिलों के 151 बूथों पर सैटेलाइट फोन की व्यवस्था होगी। ज्ञात हो इन बूथों की पहचान कम्युनिकेशन शैडो जोन के रूप में की गई है, यानी कि यहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं हो सकती है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के 87 पद पर निकाली गई रिक्तियां। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अप्रेंटिस के 87 पदों पर आवेदन की मांग की गई है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से 6.3 CGPA के साथ संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार NATS की आधिकारिक वेबसाइट mhrdnats.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में 3.5 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने की शुरू हुई तैयारी। बिहार में जल्द ही 3.5 करोड़ लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम किया जाएगा। इसको लेकर बिहार सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत ही जल्द ही बिहार के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 3.49 करोड़ श्रमिकों के निबंधन के लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर निबंधन के लिए पंचायत स्तर पर कार्यरत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से श्रमिकों का निबंधन करवाया जा रहा है। इन श्रमिकों का डेटा बैंक भी बनाने का काम किया जाएगा, ताकि श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ उन्हें दिया जा सके। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने ई श्रम पोर्टल पर निबंधन हेतु विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए इस बात की जानकारी दी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सुप्रिया ऐमान की। आयशा सुप्रिया ऐमान का जन्म आज के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। आयशा सुप्रिया ऐमान एक भारतीय अभिनेत्री और सौंदर्य प्रतियोगिता की शीर्षक धारक हैं। उन्हें मिस इंडिया इंटरनेशनल 2015 का ताज पहनाया गया था और उन्होंने टोक्यो जापान में आयोजित मिस इंटरनेशनल 2015 पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें पैनासोनिक संगठन द्वारा साल 2015 के लिए पैनासोनिक ब्यूटी एम्बेसडर और मिस इंटरनेशनल पेजेंट में जापान टूरिज्म एंड इंटरनेशनल कल्चर एसोसिएशन द्वारा मिस विजिट जापान टूरिज्म एम्बेसडर से सम्मानित किया गया था। ऐमान 2019 के प्रतिष्ठित इंडियन अचीवर्स अवार्ड की विजेता भी हैं। वो एक वैमानिकी इंजीनियरिंग भी है और भौतिकी में स्नातक ऑनर्स की डिग्री रखती है। पारदर्शिता के साथ परीक्षा लेगा बीपीएससी। बीपीएससी अब आगामी परीक्षाओं में अधिक पारदर्शिता अपनाने वाली है, जिसके तहत बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अब कुछ नए बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। इसको लेकर बीपीएससी ने नई तैयारियां कर ली है, जिसके तहत अब परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पहचान पुतली को स्कैन करके किया जाएगा। इस महीने में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में से इसे लागू
किया जा सकता है। आयोग ने परीक्षा में पारदर्शिता के लिए इसकी शुरुआत करने का फैसला लिया है। इस महीने से आयोजित होने वाली परीक्षाओं में इसे शुरू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पुतली को स्कैन करके डेटा सुरक्षित रख लिया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान भी अभ्यर्थियों की पुतली को स्कैन कर उनके डेटा से मिलान कराया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंज बनकर हुआ तैयार। पटना एयरपोर्ट पर आधारभूत संरचनाओं का विकास तेजी से हो रहा है। टर्मिनल भवन का निर्माण भी अब अंतिम चरण में है। नए टर्मिनल भवन के निर्माण के साथ ही पटना एयरपोर्ट की क्षमता दोगुनी होने वाली है। नए टर्मिनल भवन का काम लगभग समाप्ति पर है। वीआईपी लाउंज बनकर तैयार हो चुका है, जबकि फ्लाइंग क्लब ऑफिस के नए भवन का निर्माण भी अंतिम चरण में है। इसी साल के अंत तक नए भवन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। इसके बाद यात्रियों के लिए कई सुविधाओं का विकास होगा। नए टर्मिनल भवन का काम लगभग समाप्त हो चुका है। वीआईपी लाउंज बनकर तैयार हो चुका है, जबकि फ्लाइंग क्लब ऑफिस के नए भवन का निर्माण भी अंतिम चरण में है। इसी साल के अंत तक नए भवन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर 3 नए स्टेट हैंगर में से एक का निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है। बाकी बचे 2 का निर्माण चल रहा है, जो मार्च 22 तक पूरा हो जाएगा। बिहार के कई जिलों में आज भी है बारिश के आसार। बिहार में आज भी मानसूनी प्रभावों के कारण कई हिस्सों में बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि आज राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। यह बारिश हल्की से मध्यम दर्जे की या फिर हल्की फुहारों के रूप में हो सकती है। पूरे राज्य में 1 से 2 स्थानों पर तेज बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। राजधानी पटना में शनिवार सुबह भी जोरदार आंधी बारिश देखने को मिली थी। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र ने तत्कालिक पूर्वानुमान जारी कर पटना, सारण, समस्तीपुर, वैशाली, भोजपुर और बक्सर जिले में बारिश की संभावना जारी की है। साथ ही आज के लिए इन जगहों पर येलो अलर्ट भी जारी किया है। जल्द ही पर्यटक ले सकेंगे मंदार की वादियों का मजा। इस दिन होगा उद्घाटन। बांका जिले के बौंसी के मंदार में देश विदेश से हर साल पर्यटक घूमने आते हैं। हालांकि पर्यटकों की संख्या कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण कम हो गई है, लेकिन अब जो भी पर्यटक आने वाले समय में बांका जिले के बौंसी के मंदार में घूमने आएंगे तो अब उन्हें रोपवे का आनंद मिलेगा, क्योंकि सूबे के दूसरे रोपवे का उद्घाटन आगामी 21 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की तैयारी जोरों शोरों से हो रही है। जानकारों की माने तो रोपवे निर्माण कार्य को लगभग पूरा कर लिया गया है। हालांकि पर्यटन विभाग के कार्यपालक अभियंता धनंजय नारायण ने बताया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है, आगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद ही रोपवे की शुरुआत होगी। बिहार पॉलिटेक्निक ने डीसीई सीई परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड किया जारी। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन बोर्ड बीसीई सीईबी ने बिहार पॉलिटेक्निक एडमिट कार्ड 2021 को जारी कर दिया है, जिसके तहत अब डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम डीसीई सीई के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bceceboard.bihar.gov.in से जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके बाद परीक्षा 25 और 26 सितंबर को आयोजित होने वाली है। जिसके बाद एडमिट कार्ड में किसी तरह की त्रुटि नजर आती है तो 20 सितंबर तक सुधार का भी मौका दिया गया है। परीक्षा में बैठने के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और इसके बिना परीक्षा हॉल में प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। पटना हाईकोर्ट में आएंगे 4 नए जज। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों के कोलेजियम ने पटना हाईकोर्ट में जस्टिस ए अमानुल्लाह का तबादला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की अनुशंसा पर कर दी है। पटना हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। अभी चीफ जस्टिस 18 जज कार्यरत हैं। कोलेजियम की अनुशंसा पर मुहर लगते ही पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने देश के विभिन्न हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय को 8 नामों की सिफारिश की। पंचायती राज विभाग के कर्मियों को किया जाएगा मुक्त। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इन सब के बीच अब चुनाव को लेकर बिहार में पंचायत चुनाव कार्य से पंचायती राज के पदाधिकारी और कर्मचारियों को मुक्त रखने का आग्रह राज्य निर्वाचन आयोग से किया गया है। पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर पत्र भी जारी किया है, जिसमें विभाग ने कहा है कि चुनाव कार्य में इनकी प्रतिनियुक्ति किए जाने से विभागीय कार्य प्रभावित हो सकते हैं। विभाग से अनुरोध है कि चुनाव कार्य में कर्मियों को मुक्त रखने का निर्देश अपने स्तर से जारी किया जाए। इसको लेकर विभाग के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने को लिखे पत्र में अपना बयान जारी किया है और साफ तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव के संचालन के लिए राशि की व्यवस्था करने समेत अन्य महत्वपूर्ण कार्य विभागीय स्तर से किए जाएं। बिहार के दर्जन भर बीडीओ पर हुई कार्रवाई। ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में गड़बड़ी के कई मामले अब तक सामने आ गए हैं। कहीं आवास योजना का लाभ जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल रहा है तो कहीं एक ही व्यक्ति को 2-2 घर देने का काम किया गया है। हालांकि अब इन मुद्दों पर बिहार सरकार ने नकेल कसनाश शुरू कर दिया है, जिसके तहत मुजफ्फरपुर जिला के औराई में प्रखंड विकास पदाधिकारी रहने के दौरान सत्येंद्र प्रसाद यादव के 1 वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा कोठी के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी रितेश कुमार को चेतावनी की सजा दी गई है। पटना जिला के पुनपुन के तत्कालीन प्रखंड
विकास पदाधिकारी अजीत कुमार प्रसाद को भी चेतावनी दी गई है। कटिहार जिला के कुर्सेला की तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी पर सुस्ती के आरोप में उनके वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर की 15 साल की छात्रा का खिताब आया चर्चा में, केंद्रीय मंत्रियों ने भी की तारीफ। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की 15 साल की छात्रा द्वारा लिखा गया खिताब इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। बिहार की रहने वाली 15 साल की नया प्रकाश ने लॉकडाउन के दरमियान एक किताब लिखी, एंड आई पास्ड माई बोर्ड्स विदाउट इवन अपियरिंग फॉर इट। उनकी यह किताब इन दिनों चर्चा में है। सबसे खास बात यह है कि इस किताब की तारीफ फिल्म निर्देशक प्रकाश झा, आईआईटी टी मद्रास के डायरेक्टर भास्कर राममूर्ति, चाइल्ड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट गगनदीप कौर आदि ने की है। निशांत पोखरियाल और नितिन गडकरी ने भी इसे सराहा है। ज्ञात हो 154 पेज की इस किताब में 21 इलस्ट्रेशन नया ने खुद बनाए। इसके साथ ही वो फाइन आर्ट की आर्टिस्ट भी है और बैडमिंटन भी काफी अच्छा खेलती है। सिपाही बनेंगे एएसआई। बिहार के मैट्रिक पास सिपाही को सहायक अवर निरीक्षक बनाया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर सिपाही को प्रोन्नति देकर एएसआई बनाने का आदेश जारी किया गया है। पंचायत चुनाव को लेकर सिपाही को प्रोन्नति देकर एएसआई बनाने का आदेश दिया गया है, जिसमें डीजीपी ने संबंध में सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक को यह आदेश दे दिया है। बता दें कि पंचायत आम निर्वाचन को लेकर डीजीपी ने पुलिस बल प्रतिनियुक्ति करने को कहा है। बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्र में यह कहा गया है कि पंचायती चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए काफी संख्या में पुलिसकर्मियों पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाना है। सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा करने से पहले लेनी होगी इजाजत। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कराने से पहले सरकार से इजाजत जरूरी है। ज्ञात हो बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का हवाला देते हुए उक्त बातें कही गई हैं, जिसके तहत यह आदेश में यह कहा गया है कि सभी मामले आपराधिक नहीं हो सकते हैं। इस बाबत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने राज्य के सभी आरडीडीई, सभी डीईओ और सभी डीपीओ को बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध मुकदमा या प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय के मुताबिक ही कार्रवाई की जाए। बीपीएससी ने स्थगित की दो परीक्षाएं। बिहार लोक सेवा आयोग ने 24 और 25 सितंबर को होने वाली सहायक अभियंता असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा और सहायक अभियंता विद्युत असैनिक एवं यांत्रिकी प्रतियोगिता परीक्षा को स्थगित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस बाबत आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि सहायक अभियंता असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा 24 और 25 सितंबर को आयोजित होनी थी, जबकि सहायक अभियंता विद्युत असैनिक और यांत्रिक प्रतियोगिता परीक्षा 27 और 28 सितंबर को आयोजित होनी थी। अब इन परीक्षाओं को लेने को लेकर बाद में घोषित की जाएगी। हालांकि इससे पहले परिवहन विभाग के अधीन एमवीआई की नियुक्ति के लिए प्रारंभिक परीक्षा के अपरिहार्य कारणों से उसे भी स्थगित कर दिया गया था। नेहा सिंह राठौर ने यूपी चुनाव पर लिखा गीत। मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर अपने गाने के लिए हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है और खासकर नेहा सिंह राठौर चुनाव के समय अपने गाने के कारण कई बार चर्चा का विषय बनती रही हैं। इसी कड़ी में इस बार नेहा सिंह राठौर ने यूपी चुनाव को लेकर अपना गाना जारी किया, जो कि सुर्खियों में आ गया है। अगले साल होने वाले यूपी चुनाव को लेकर नेहा ने गाया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले पास जनता नेताजी से पूछिए के ने बरुए विकास। इसके साथ ही इस चुनावी गीत में नेहा सिंह राठौर ने उन्नाव हाथरस मामले पर भी सवाल उठाया है। साथ ही इस गीत में साइकिल और चोर की कहानी भी है कि चोर कैसे उत्तर प्रदेश की सड़क पर गिर जाता है। बिहार यूथ कांग्रेस ने निकाली वैकेंसी। युवा कांग्रेस बिहार में लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इस बाबत अब यूथ कांग्रेस ने वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत अब उम्मीदवारों का चयन जिले में प्रवक्ता के रूप में किया जाएगा। इसको लेकर बिहार में युवा कांग्रेस यंग इंडिया के बोल भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जो कि सभी जिलों में होगा, और इस भाषण प्रतियोगिता में जो अच्छे वक्ता होंगे उनका चयन जिले में प्रवक्ता के रूप में किया जाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुणोदय सिंह, बिहार प्रभारी राजेश सिन्हा, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुंजन पटेल और बिहार के युवा कांग्रेस के प्रवक्ता मोहम्मद शम्स शाहनवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, इसको लेकर बीते दिन यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम की लॉन्चिंग भी की गई थी। राजद को मजबूत करने के लिए झारखंड दौरे पर पहुंचे तेजस्वी। राजद को मजबूत करने के लिए झारखंड दौरे पर तेजस्वी बीते दिन रवाना हो गए थे, जिसके बाद आज वो सीएम हेमंत से मुलाकात करेंगे। वहीं तेजस्वी ने इस दौरे को लेकर झारखंड के राजद प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव झारखंड में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और राजद को बिहार की तरह संगठनात्मक स्तर तक मजबूत करने के लिए विचार विमर्श करेंगे। इसके साथ ही झारखंड राजद को मजबूत करने के लिए राजद के कई पुराने नेताओं को पार्टी में वापस भी बुलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव खुद उनकी पार्टी में वापसी कराएंगे। इस दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बिहार के मंत्री
मुकेश सहनी ने यूपी चुनाव के लिए भरी हुंकार। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में उतरने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने ऐलान कर दिया है। यूपी में अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष सहनी को निषाद वोटों से बड़ी उम्मीदें हैं। शनिवार को सहनी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अपने चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कमजोर हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को अब मैदान में उतरना चाहिए। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती के लिए सहनी ने कहा कि अब घर बैठ गई हैं। हालांकि इस दौरान मुकेश सहनी ने साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी अभी कोई भी डील नहीं हुई है। मामले में बिहार के अव्वल आने पर तेजस्वी ने उठाई उंगली। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें समूचे देश में बिहार के अव्वल आने की बात कही गई है। हालांकि ये बात भले ही बिहारवासियों के लिए गौरवान्वित करने वाली हो, मगर विपक्ष को ये बात रास नहीं आ रही है कि एक दिन में बिहार में ये कैसे हो गया। यही कारण है कि वैक्सीनेशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी आवाज उठाई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि क्या पीएम को खुश करने के लिए अन्य दिनों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी कर दी गई थी, जो बिहार के पास इतना टीका एक ही दिन में मौजूद था। इस चाटुकारिता से आम आदमी को कोई फायदा हुआ क्या? ज्ञात हो बिहार में लगभग 30 लाख लोगों का वैक्सीनेशन अभियान के तहत किया गया है। बिहार के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो के विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। भारत की उत्तरी सीमा पर 1962 में चीन द्वारा आक्रमण आज ही के दिन हुआ था। अखलाक मोहम्मद खान शहरयार को 2011 में उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए 2008 का 44वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का जन्म 1977 में आज ही के दिन हुआ। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध और सम्मानित कवि कुंवर नारायण का जन्म 1927 में आज ही के दिन हुआ था। सिखों के चौथे गुरु सिख गुरु रामदास का निधन 1581 में आज ही के दिन हुआ था। आज से एक बार फिर से शुरू होगा आईपीएल। क्रिकेट प्रेमियों पर आज से एक बार फिर से क्रिकेट का खुमार छाने वाला है। इस बार यह खुमार आगाज से शुरू होकर अंजाम तक जाएगा। बात कर रहे हैं आईपीएल के 14वें सीजन के बाकी बचे मैच के बारे में, जिन्हें कोरोना संक्रमण के कारण इस साल अप्रैल महीने में ही रोक दिया गया था। अब जाकर आज 19 सितंबर से आईपीएल 2021 के दूसरे सेशन का आगाज होने जा रहा है, जो कि 15 अक्टूबर को खत्म होगा। पूरा का पूरा आयोजन यूएई में होना है। यहां दुबई और आबूधाबी में बाकी के बचे सभी मैच खेले जाएंगे। पहला मैच आज ही खेला जाएगा। रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के बल्लों के दीवानों के लिए आज का दिन खास रहने वाला है, क्योंकि दूसरे सेशन की शुरुआत मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच से होने वाली है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है संतोष कुमार, शंकर मुखिया, अनवर यादव, सरिता देवी, नंद कुमार सिंह, रंजन शर्मा, प्रद्युमन कुमार, रविंद्र पासवान, मोहम्मद सद्दाम, विक्रम राज, प्रहलाद कुमार, विपिन कुमार, आनंद कुमार, संतोष कुमार पटेल, दीपेश कुमार, सुरेश कुमार यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में जारी टीकाकरण की रफ्तार से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।